चलो अभी हम एक एक्टिविटी करते हैं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे नंबर्स को स्किप करके हमें आगे बढ़ना है। यहाँ मैंने फर्स्ट वाले सर्कल में 2000 लिखा हुआ है, एक लाइन डाली गई है जिसमें एरो जो है वो नेक्स्ट सर्कल की तरफ जा रहा है और ऊपर लिखा है स्किप बाय 10, यानी 2000 में तुम्हें 10 ऐड करके आगे बढ़ना है। तो नंबर क्या हो जाएगा 2010, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इधर की तरफ जा रहा है और एरो इस वाले सर्कल की तरफ जा रहा है, ऊपर में क्या लिखा है स्किप बाय 100, यानी ये जो नंबर लिखा है उसे 100 नंबर में स्किप करके आगे की तरफ बढ़ना है। तो अब 2000 में अगर 100 ऐड करते हैं तो क्या होता है 110। अब ये वाली सर्कल की लाइन नीचे की तरफ सर्कल की तरफ आ रही है और ये 2110 में स्किप बाय क्या है 1000, यानी 1000 वाले नंबर चेंज हो गए तो क्या हो गया 3110। अब ये जो स्किप है ये वाला सर्कल ये यही रुक गया। अब बैक आते हैं, 2000 जहाँ से शुरू हुआ था उसके नीचे एक और सर्कल है जिसमें लाइन नीचे की तरफ आ रही है और लिखा है स्किप बाय 1000, यानी फिर ये 1000 वाला नंबर चेंज होगा तो 2000 से क्या हो गया ये 3000। अब ये 3000 का सर्कल जो है ये अगले सर्कल की तरफ जा रहा है, एरो देखो यहाँ लिखा है स्किप बाय 10, यानी 10 वाला पेज चेंज होगा तो 3000 क्या हो गया 10, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर में लिखा था 2010 और उसका नीचे स्किप होके सर्कल आ रहा है 1000 में, तो क्या हो रहा है नंबर चेक कर सकते हो, 2000 से अगर 1000 ऐड करते हैं तो 3010 होता है। यहाँ से भी आप एक और लिखा हुआ है स्किप बाय 100, तो 3010 में अगर 100 ऐड करते हैं तो क्या होता है 3110। तो इस तरह से ये जो हमने एक्टिविटी वाली चार्ट बनाई थी इस तरह से ये नंबर्स कंप्लीट होते हैं स्किप वाले नंबर को